दोस्तों नमस्कार। एक प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि हम 15 से 20 लीटर वाली गाय को क्या खिलाएं कि उसका दूध मेंटेन रहे, दूध बढ़ता रहे, बहुत ही शानदार उसकी हेल्थ रहे और वो कभी बीमार ना हो और समय पे गाभिन भी हो जाए, समय पे हीट में भी आ जाए, सब चीज़ें जो होनी है वो समय पे हो और दूध का जो पीक लेवल है वो भी काफ़ी दिनों तक बना रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिसमें सारी की सारी चीज़ें मैं समाहित करने की कोशिश करूंगा कि आप क्या दें और कितना दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या दें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कितना दें, ये दोनों बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, जब भी आप 20 लीटर वाली गाय तैयार करना चाहते हैं या आपके पास है तो उसको क्या देना चाहिए। नंबर वन, आप उसे अनाज दीजिए। अनाज में आपको पता है मक्का हम लेते हैं, बाजरा हम लेते हैं, गेहूं हम लेते हैं और जो हम ले सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हम लेते हैं ज्वार भी लेते हैं, तो ये सब जो अनाज है वो हमें लेने हैं और टोटल जो हम दाना मिश्रण बना रहे हैं उस दाना मिश्रण का 30 से 40%, हालांकि हम 30% ही रखते हैं लेकिन 30 से 40% अगर उपलब्धता ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, ये काम कीजिए दाना मिश्रण का। इसके अलावा सेकंड जो वर्क होता है वो होता है खल का, यानी आपको खली देनी है और खली में अगर आप मेंटेन कर रहे हैं भैंस गाय को तो मेंटेन करने के लिए गाय में एक विशेष बात ये है कि आप 2-4 खलियों को मिला करके दीजिए, खर्च वही होना है, एक खल हमेशा ही हम देते हैं तो क्यों ना आप 2 खल को मिला करके दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा आप गेहूँ का चोकर इस्तेमाल कीजिए, चने की चूरी आप यूज़ कीजिए, गेहूं का चोकर आप 20% ले सकते हैं, चने की चूरी आप 10-15% ले सकते हैं, दालें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब गाय इतना अच्छा दूध देने वाली है तो उसको आप मेथी भी दीजिए, 250 से 500 ग्राम मेथी उपलब्धता के हिसाब से रोज़ दी जा सकती है। इसी तरीके से 250 से मेथी जो है उसको आप क्या करेंगे, मेथी को आप मोटा पिसवा लीजिए और दाना मिश्रण में मिला करके दे दीजिए। सोयाबीन आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है, अगर अच्छी दूध वाली गाय है उसको मेंटेन करना है तो आप सोयाबीन जरूर दीजिए, ये भी 250 से 500 ग्राम उपलब्धता और बजट के हिसाब से आप तय कर सकते हैं। सोयाबीन जितनी भी आप लाते हैं उनको एक बार ला करके और भून लीजिए, यानी उन्हें सेक लीजिए, भूनने के बाद जो रोस्टेड सोयाबीन है उसका आप मोटा दर्रा जो दलिया टाइप होता है वो बनवा लीजिए और वो फिर अपने पशु को खिलाइए। जितने भी आप अनाज दे रहे हैं उनको मोटा पिसवा लीजिए, साबुत मत दीजिए। खली को आप भिगो करके मिला सकते हैं, अनाज को आप सूखा भी दे सकते हैं तो भिगो करके भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने विवेक से आप कर सकते हैं, ये काम आप कीजिए। अब इस काम में मेन जो बात आपको ध्यान रखने की है वो है आप देंगे कितना। यहाँ पर अक्सर जो पशुपालक भाई है वो चूक जाते हैं। एक बात मेरी नोट कर लीजिए कि 1 किलो अनाज आपको, मतलब 1 किलो दाना मिश्रण आपको रोज बॉडी मेंटेन करने के लिए देना है, यानी बॉडी को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं रखना ही पड़ेगा, तो 1 किलो तो आप दाना मिश्रण मेंटेन रखने के लिए दीजिए ही दीजिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप हर लीटर दूध के ऊपर डिसाइड कीजिए कि हमें कितना दाना मिश्रण देना है। एक विशेष बात मेरी नोट कर लीजिए, वो यह है कि 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर दूध के पीछे आपको 1 किलो दाना मिश्रण देना ही देना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब इसके हिसाब से कितने लीटर की है उसको आप देना शुरू कर दीजिए, वो मेंटेन होकर के और अच्छा दूध देने लग जाएगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2.5 लीटर पर 1 किलो आप दाना मिश्रण, ये पर डे की डोज में बता रहा हूँ, आप 2 समय देना चाहिए आपको तो दोनों समय में आप आधा आधा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप दाना मिश्रण में बदलाव करते हैं ये ध्यान रखिएगा, बदलाव धीरे धीरे करना है, अगर आपने एकदम से बदलाव किया तो नुकसान हो सकता है ये चीज़ें। इसके बाद आपने जो ही दाना मिश्रण एकदम से तैयार कर लिया, बढ़िया तैयार कर लिया, तो आप एक विशेष बात ध्यान रखिए कि मिनरल मिक्सचर और नमक मिलाना मत भूलिए। पूरे दाना मिश्रण में 2 से 5% मिनरल मिक्सचर, 5 तो चलिए ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 2% तो ज़रूरी है, यानी पर डे हम जो अच्छी मिल्क वाली गाय जो 20 लीटर की हम बात कर रहे हैं उसको 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप जब इतना दाना मिश्रण दे रहे हैं तो वहाँ मीठा सोडा भी दीजिए जो रूमन बफर का काम करेगा और रूमन को अच्छा वर्क करने के लिए,
माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ के लिए, और रूमन में जो प्रॉब्लम हो रही है, माइक्रोफ्लोरा डिक्रीज हो रहे हैं, एसिडोसिस डेवलप हो रहा है, उन सब को दूर करने में बहुत शानदार काम करेगा मीठा सोडा। तो सप्ताह में दो बार आपको मीठा सोडा भी देना है, और अगर ज़्यादा अनाज दे रहे हैं, जैसे अनाज की मात्रा आपने देखा कि 7-8 किलो से ऊपर निकल गई है पर डे, तो वहाँ पर आप रोज़ भी 50 ग्राम दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा भाई दाना मिश्रण की बात तो होगी, लेकिन आप सूखा चारा और हरा चारा मत भूलिए। हमेशा एक बात याद रखिए कि जो इस कैटेगरी की गाय है उसको कम से कम 4-7 किलो आपको हरा चारा रोज़ देना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इस कैटेगरी की गाय को कम से कम 20-30 किलो हरा चारा देना चाहिए, यानी सूखा चारा 4-7 किलो देना ही होगा, नहीं तो फिर उसकी जुगाली मेंटेन नहीं होगी। जुगाली अगर मेंटेन नहीं होगी तो भाई वो ग्रोथ कैसे करेगी, मिल्क कैसे बढ़ाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सूखा चारा भी दीजिए तो हरा चारा भी आप दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों का आप मिक्सअप कर सकते हैं, दोनों की कुतरन करके शामिल कर सकते हैं। और कई भाई जो है वो हमारे कहने से TMR दे रहे हैं, टोटल मिक्स राशन, तो वो भी बहुत ही शानदार है। अगर आप जो दाना मिश्रण दे रहे हैं उसको हरा चारा और सूखा चारा सभी को मिक्स करके सानी बना लीजिए, और दिन में 3 बार उसी सानी को आप दे दीजिए। दिन में 1 बार तैयार कर लीजिए, 3 बार दे दीजिए, या फिर सुबह की अलग तैयार कर लीजिए, शाम की अलग तैयार कर लीजिए, यानी आप मिक्सअप करके अगर देते हैं तो TMR फॉर्म भी बहुत ही शानदार काम करती है भाई। तो ये फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा। अब आते हैं कुछ एडिशनल चीज़ें। जब अच्छा दूध गाय दे रही है तो उसके लिए कुछ एडिशनल भी आपको देना पड़ेगा, जैसे बाईफास्फेट। जी हाँ, पर डे 100 ग्राम आप ऐसी गाय को बाईफास्फेट दे सकते हैं, वो बहुत ही शानदार रहेगा बाईफास्फेट। इसके अलावा लिक्विड कैल्शियम, कैल्शियम के जो लिक्विड मार्केट में मिलते हैं या आप घर पे बना सकते हैं, तो कैल्शियम के लिक्विड बना लीजिए घर पे, या फिर कैल्शियम का लिक्विड मार्केट से ले आइए। ये लिक्विड भी 100 ml रोज़ हमें ऐसी गाय को ऐड करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक विशेष बात, हमने इतनी सारी चीज़ें दे दी, क्या वो डाइजेस्ट कर पाएगी क्या, इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा। और डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए यीस्ट पाउडर, मार्केट में बहुत सारे यीस्ट पाउडर मिलते हैं, हमने बेस्ट यीस्ट पाउडर पर वीडियो भी बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाईफास्फेट पर भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बाईफास्फेट आप घर पे कैसे बना सकते हैं, बाईफास्फेट मार्केट से आप कौन सा लेकर के आएंगे, कौन सा बेस्ट है, कितना देंगे, कब देना है, कब नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग वीडियोज़ में मिल जाएगी, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो बाईफास्फेट यीस्ट ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिस गाय का हम दूध प्रॉपर करना चाहते हैं या जो 20 लीटर वाली गाय है उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी शंका किसी भी प्रकार की है तो आप रामावत एनिमल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रोज़ रात 8 बजे फ्री लाइव होता है, उस फ्री लाइव में ज्वाइन कर लीजिए, पहले के फ्री लाइव आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो वहाँ वेट डिजीज सेशन में बहुत सारी बीमारियों के इलाज आपको मिलेंगे, वेट क्लासेस में बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। Skylark पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार, Skylark का वादा सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।